हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। आज के वीडियो में अमेजन प्राइम वीडियो पे अवेलेबल 7 बेस्ट सस्पेंस क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज की बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। हमारे लिस्ट के नंबर 7 पे है 2022 की 1 सीजन 10 एपिसोड थ्रिलर ड्रामा सीरीज गिल्टी माइंड्स। एक एक्ट्रेस और एक डायरेक्टर के अफेयर का गॉसिप कॉमन है। There was a clear lack of consent. That amounts to rape. सीरीज की कहानी दिल्ली के एक न्यायप्रिय कोर्ट के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी में दो बड़े फर्म कोर्ट के अंदर एक दूसरे से टकरा जाते हैं। अब देखना ये होगा कि जीत किसकी होती है। We need to understand why this 19-year-old student killed the deceased. He clearly had a guilty mind. सीरीज में वकीलों की प्रोफेशनल लाइफ के बीच उनकी निजी जिंदगी की परेशानियां दिखाई गई हैं। साथ ही कास्टिंग काउच से लेकर हिंसक गेम्स के मकर जाल में फंसकर अपराध करते बच्चे और युवा जैसे विषयों को विभिन्न केसों के जरिए पेश किया गया है। क्लोज केस दोबारा ओपन किया जा रहा है क्योंकि सरकार बदल गई है। दीपक केस जीतने के लिए कुछ भी कर सकते। हमारे लिस्ट के नंबर 6 पे है 1 सीजन 12 एपिसोड क्राइम ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज ब्रीथ इनटू द शैडोज। यूजुअली किडनैपिंग्स में पहले 48 आवर्स में कांटेक्ट हो जाता है। It's been 3 months. She has gone. सीरीज की कहानी अविनाश सबरवाल नाम के एक साइकेट्रिस्ट और उसके परिवार की है। अविनाश सबरवाल दिल्ली में अपनी पत्नी आभा और 6 साल की बेटी सिया के साथ रहते हैं। I don't understand these weird mind games he's playing. साइकेट्रिस्ट हूँ और एक साइकेट्रिस्ट से बेटर माइंड गेम्स कौन समझ सकता है। एक दिन अचानक सिया गायब हो जाती है और तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस उसका कोई पता नहीं लगा पाती। ये एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल थ्रिलर वेब सीरीज है जो आपको लास्ट तक बांधे रखेगी। जब तुम मुझे देखोगी आबा, what will you see? A father or a murderer? हमारे लिस्ट के नंबर 5 पे है 2022 की इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर वेब सीरीज पाताल लोक। आपको किसी पे कोई शक है? कोई पुरानी दुश्मनी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चारों की हिस्ट्री शीट निकलवा। कहानी की शुरुआत एक होटल से होती है जहां 4 लोग एक सीनियर जर्नलिस्ट संजीव मेहरा को मारने की प्लानिंग करते हैं। इसके बाद दिल्ली के एक ब्रिज से पुलिस इन 4 कॉन्ट्रैक्ट किलर को साजिश और मर्डर के आरोप में गिरफ्तार करती है। मेरी बीवी सोचती होगी किस चूतिए से शादी कर ली। दिमाग खराब मत कर। सीबीआई हमसे केस ट्रांसफर कर रहा है। थैंक्स टू योर फक अप। आला अधिकारी केस को ओपन एंड सेट मानकर बंद कर देते हैं, लेकिन बाद में कई ऐसे मर्डर से जुड़े तथ्य सामने आते हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। सर, आधी जिंदगी बाप की आंखों में देखा है कि उसका बेटा चूतिया है, बाकी की जिंदगी बेटे की आंखों में नहीं देखना चाहता कि उसका बाप चूतिया है। हमारे लिस्ट के नंबर 4 पे है 2023 की क्राइम मिस्ट्री ड्रामा थ्रिलर सीरीज दहाड़। सारी छोरियों के गायब होने के हालात एक जैसे, लाइफ में आदमी एक जैसा और दो दहेज की कहानी एक जैसी, उन्हें तो किसी राक्षस का अवतार लगे। सीरीज की कहानी को राजस्थान के एक क्षेत्रीय इलाके में सेट किया गया है, जिसमें दिखाया जाता है कि एक लड़का अपनी बहन कृष्णा की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन जाता है जो लगभग 6 महीनों से लापता है, लेकिन पुलिस इस पर एक्शन लेने से मना कर देती है। तुम्हारा मतलब है कि ये सब अकेले एक आदमी का काम है? सर, जिस आदमी ने इन छोरियों को भगाया है उसी ने इनको जहर खाने को राजी किया है। इससे पहले भी एक लड़की लापता हुई थी जिसका केस कृष्णा की केस से काफी मिलता जुलता है। इसके बाद केस की गुत्थी उलझती जाती है। अब क्या पुलिस सीरियल किलर को पकड़कर उन मिसिंग लड़कियों को न्याय दिला पाएगी, ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। हमारे को तो आनंद पे रत्ती भर विश्वास ना है। पर भैया, कोई शक करने की वजह तो हो। कॉलेज में प्रोफेसर, घर परिवार वाला आदमी, 4 डंकी बात सिखावे तो क्या भारत रत्न दे दे उसको। हमारे लिस्ट के नंबर 3 पे है 2021 की एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज द फैमिली मैन। धृति को स्कूल से सस्पेंड कर दिया। प्रिंसिपल तुमसे बात कर रही थी और तुम This is not a light matter that we are discussing, Mr. Trikant. सीरीज में एक स्पाई की ऐसी कहानी को दिखाया गया है जो असाधारण काम करता है, लेकिन आम लोगों की तरह साधारण है। स्पाई फैमिली मैन बनने की पूरी कोशिश भी करता है। बच्चों को स्कूल से कब पिक करने वाले हो? नहीं, बस पहुंच गया। अब धृति, अब ये बच्चे सामने ही दिखाई दे रहे हैं। धृति और अथर को मैंने पिक कर लिया है। लेकिन जब वो अपने परिवार को समय नहीं दे पाता तो दिल्ली को गैस अटैक से बचाने के बाद NIA की टास्क टीम में काम करना छोड़कर एक IT कंपनी में चला जाता है। लेकिन उसकी लाइफ में ऐसा क्या होता है कि उसे फिर से टास्क ज्वाइन करना पड़ता है, ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। क्या फायदा ऐसा काम का जहां तुम्हें ये तक याद नहीं कि तुम्हारी फैमिली भी है? हमारे लिस्ट के नंबर 2 पे है 2022 की थ्रिलर ड्रामा वेब सीरीज सुडल द वॉर्टेक्स। मेरी छोटी बहन गायब है, तुम लोग उसे ढूंढ सकते हो या नहीं? इस वेब सीरीज की कहानी तमिलनाडु के एक कस्बे समलूर में बेस्ड है। वहाँ एक फैक्ट्री है जिसके मजदूर उसी के आसपास अपना घर बना कर रहते हैं, लेकिन एक दिन मजदूर संगम का अपने ही मालिक त्रिलोक के साथ विवाद हो जाता है। इसी बीच एक रात फैक्ट्री में आग भी लग जाती है। साल 1990 में जब ये फैक्ट्री शुरू हुई थी उस दिन भी एक लड़की गायब हुई। अब जब ये फैक्ट्री जली है
एक और लड़की गायब है। उसी रात समगुम की बेटी नीला गायब हो जाती है। कमाल की बात यह है कि वो लड़की गायब होने से पहले खुद किसी के मर्डर की प्लानिंग कर रही होती है। सीरीज की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है जो आपको लास्ट तक बांधे रखने में कामयाब होगी। ये एक छोटा सा शहर, यहाँ पे हर कोई एक दूसरे को जानता है। मुझे भी लगता था कि मैं सबके बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी इस छोटी सी दुनिया के बारे में सब कुछ जानते समझते हो। इस दुनिया के लोगों को समझना इतना सिंपल और इजी नहीं। हमारी लिस्ट के नंबर वन पे है 2023 की 8 एपिसोड एक्शन क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज फर्जी। पैसों से खुशियां नहीं खरीद सकते, ये डायलॉग सिर्फ वो लोग मारते हैं जिनके पास पैसे होते ही नहीं। स्टोरी सनी नाम के एक लड़के की है जो पेशे से आर्टिस्ट है। सनी किसी असली चीज की हूबहू कॉपी बना सकता है। एक बार वो अपनी लाइफ की मुश्किलों से परेशान होकर नकली नोट छापने का काम करने लगता है और अपने इस काम के बाद वो जल्द ही वो सब कुछ पा लेता है जो उसे चाहिए था। ये अमीर लोग ने सिस्टम बनाया जिसमें जिंदगी भर गरीब उधार चुकाएगा और अमीर ब्याज खाएगा। हम लोग मिडिल क्लास नहीं है, हम लोग मिडिल फिंगर क्लास है। लेकिन कहानी में एक सात्विक दिमाग अफसर की एंट्री होती है जो नकली नोट के गोरख धंधे को तबाह करने के लिए सनी के पीछे पड़ जाता है। अब इन दोनों के बीच चूहे बिल्ली का खेल किस हद तक मनोरंजक बन जाता है ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। तुम लोग कुछ गलत काम नहीं कर रहे हो ना? नहीं ना, सबके अंदर चोर है, सिर्फ चांस के लिए वेट करता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।